नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र का अपमान करने वालों की, किसानों की। जी हां, किसानों ने कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया है। किसानों ने उस बिल की कॉपी जलाई है जो संसद के पास हुआ और जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, वो पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश है। जी हाँ, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश किया है। सुरंग के पास से कराची से बने सैंड बैग भी मिले हैं। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी इस सुरंग के जरिए भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि सुरंग वाली साजिश हिंदुस्तान में रची गई। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगी, तीसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां उद्धव सरकार के दो मंत्री बड़ी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में एनसीबी ने एक कैबिनेट मंत्री के दामाद को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं दूसरे मंत्री धनंजय मुंडे पर एक महिला सिंगर के साथ रेप का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह, और चौथी खबर मैं आपको बताऊंगी, चौथी खबर है मध्य प्रदेश की, जहां मुरैना में हुए एक जहरीली शराब कांड की जी हिंदुस्तान पर दिखाए गए इस खबर के बाद हरकत में आई है शिवराज सिंह सरकार की चौहान। तो मुरैना में डीएम और एसपी को हटा दिया गया है, जबकि एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया है। तो खबरों का चक्रव्यूह शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर से खबर है, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान में सवार थे 233 यात्री, रनवे के किनारे जमी बर्फ से टकराया विमान का इंजन और सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। ये बड़ी खबर है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था विमान। ये बड़ी खबर देखिए, बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तस्वीरें सबसे पहले जी हिंदुस्तान इस वक्त आपको दिखा रहा है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ से टकराया है प्लेन का इंजन। इंडिगो एयरलाइंस के विमान में 233 यात्री यात्रा कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा होने की खबर सामने आई। रनवे के किनारे जमी बर्फ से विमान का इंजन टकराया है। हालांकि बहुत बड़ी राहत की खबर यह रही है कि इस हादसे के समय जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे उनको सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था विमान जिस वक्त यह हादसा हुआ। तस्वीर आप देखिए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, समय रहते यह हादसा टल गया। और अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो देशद्रोही बन रहे हैं। जी हां, सिंघुवाड़ा पर किसानों ने कृषि कानून की प्रति जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। नोएडा और अमृतसर में भी किसानों ने कानून की कॉपी जलाई है। सवाल यह है कि आखिर कैसे हो सकता है। किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानून की कॉपी जलाई गई है सिंघुवाड़ा पर, अमृतसर में भी किसान कानून की कॉपी जलाई गई है। सवाल यह है कि जब इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी, बावजूद इसके इस तरीके की गतिविधियां क्या मैसेज दे रही हैं? लोकतंत्र के मंदिर से पास हुआ ये कानून सिर्फ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कागज नहीं जल रहा है, ये कागज नहीं है, ये संविधान का अपमान किया गया है। लोकतंत्र के मंदिर से जिस कानून को अनुमति मिली, उस कानून की कॉपी जलाकर अगर राजद्रोह की ये आग नहीं भड़काई जा रही तो और क्या इसको समझा जाए। किसानों को भड़काने वालों पर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है। नकवी ने भड़काने वालों को भ्रम जाल का जादूगर कहा है। कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने वाले लोग किसानों के हितैषी नहीं है। भ्रम का माहौल पैदा करने वाले लोग जो है वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भ्रम जाल के जो जादूगर हैं, तो इस ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भ्रम जाल के जादूगरों को इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जादू टोनों का दिन बहुत दिन नहीं रहता।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते पर चले, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ किसानों का हित चाहते हैं। देखिए लगातार कोर्ट भी इस पूरे मसले पर चाहता है कि समाधान हो। एक कमेटी बनाई गई, कानून को होल्ड किया गया। बीजेपी कह रही है कि देखिए जो कानून रास्ता दिखा रहा है उसी रास्ते पर चले किसान। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम सब का स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के गरिमा में ही राष्ट्र की गरिमा है। इसलिए नतमस्तक होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं और हम आशा रखते हैं कि दूसरे पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो पथ सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है उस पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। हम सबको हिंदुस्तान के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट हो, जनता इन सब पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र आत्मनिर्भर हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान चाहती है, हम भी समाधान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान चाहती है, हम भी समाधान चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना। सुमित, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी हितेन, लगातार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुमित, आपके पास ही आ रहे हो, सीधे तौर पर आज हलफनामा भी पेश करेगी सरकार, लेकिन उससे पहले जो प्रतियां जला दी गई, ये क्या मैसेज जा रहा है देश में? क्या आंदोलन के नाम पर देशद्रोह की आजादी मिल जाती है? जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, इसी का खुलासा आपसे थोड़ी देर में होना है जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कल केंद्र सरकार ने अहम बातें सुप्रीम कोर्ट से कही थी और यहां तक कहा था कि प्रतिबंधित संगठन के अलावा खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो फंडिंग कर रहे हैं आंदोलन में, और इस बात को सुनते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोबडे के कान खड़े हो गए थे। तुरंत सीजीआई ने कहा कि आप बुधवार को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए और ये बताइए कि किन तथ्यों के आधार पर आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आईबी रिपोर्ट को भी शामिल कीजिए। तो आपसे थोड़ी देर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में गया था, अब तक जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है अब तक फाइल नहीं हुई है एफिडेविट, लेकिन अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त जो है केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा जो है वो दाखिल किया जा सकता है। हितेन सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। हितेन, बड़ा सवाल यह है कि जब इस कानून को कल होल्ड कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, एक कमेटी बना दी गई रास्ते के लिए, सुलह के लिए, बावजूद इसके आज जो प्रतियां जलाई गई, ये क्या मैसेज जा रहा है देश में? अन्नदाता की आड़ में राजद्रोह की आग कौन भड़का रहा है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए बिल्कुल यही है, कहीं ना कहीं देखिए आतंकी गतिविधियां तो यहाँ एक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक दल भी जो है ना अपनी राजनीतिक थालियां सजाने में लगे हुए, क्योंकि बयानबाजी तो वैसी है, मई 2024 तक सड़कों पर बैठे रहेंगे। देखिए जिस लोकतंत्र की दुआई देकर 49 दिनों से सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए ना, उसी लोकतंत्र की आजादी में ये कानून भी जला रहे, वो कानून जला रहे जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, वो कानून अब लागू ही नहीं है, वो कानून पर चर्चा चल रही है, कमिटी बनी है, कमिटी के गहन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि इसको लागू करना है, किस तरह से लागू करना है, क्या क्या सुधार के साथ लागू करना है। आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की किसानों से अपील, किसानों को आंदोलन वापस लेना चाहिए, देश के जिम्मेदार लोग किसानों से अपील करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात की अपील की थी कि आप इस आंदोलन को खत्म करेंगे अगर हम इस कानून को होल्ड करें तो। जाहिर है कि कानून को होल्ड कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कानून तो रुका, आंदोलन नहीं रुका, और इस वक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील है किसानों से आंदोलन को वापस लिया जाए। आईना उन लोगों को भी है जो लगातार इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, उनके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को किसानों से अपील करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एक और जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने अपील की, दूसरी ओर ये अपील बताती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, सुमित
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील की है कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। आईना उनको भी दिखाया है जो लोग भड़का रहे थे कि जिम्मेदार लोग इस बार अपील करें। जी बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लेटर जारी कर ये तमाम बातें कही है और ये कहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया है कोर्ट ने, तो उसके बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। और सबसे अहम बात मनन कुमार मिश्रा ने जो बात कही है वो ये कही है कि कुछ राजनेता जो है वो हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मनन कुमार मिश्रा जो है वो उस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पे जो तमाम एलिगेशन लगाए थे उस बात का एक बार फिर से मनन कुमार मिश्रा जो है वो जिक्र कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि इस पूरे मसले को लेकर जो है मनन कुमार सवाल मिश्रा सबसे बड़ा ये है कि क्या उन लोगों को आज समझ आ रहा है, अपील की जा रही। बहुत धन्यवाद सुमित विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां आतंकवादियों की एक और बड़ी साजिश का खुलासा सामने हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि बीएसएफ ने कठुआ के हीरा नगर में सुरंग का पता लगाया है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली है ये सुरंग। आतंकी घुसपैठ के लिए सुरंग के इस्तेमाल का शक किया जा रहा है। चूंकि आपको याद होगा कि 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में सीमा पार से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से अब ये हीरानगर में इसका सुरंग का पता लगा। इससे पहले भी हमने देखा कि वहां पर एक और सुरंग मिली थी और लगातार हीरानगर में ही मंदिरों को निशाना भी बनाया जा रहा था। ये बड़ी खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का बीएसएफ ने पर्दाफाश किया है। कठुआ सेक्टर के हीरानगर में सुरंग का पता लगाया गया है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सुरंग मिली है उससे कई सवाल खड़े हो गए। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल में जुट गए हैं और ये जो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें कि यहां पर पाकिस्तान के कुछ पंपलेट्स भी मिले हैं जो वहां पर पाए गए। सैंड बैग मिला है। अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान का कराची करेक्शन भी सामने आया है और ये सुरंग हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरंग है और दूसरी तस्वीर में भी हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो बीएसएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं, जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं और कराची का वहां पर सबूत मिले हैं कि ये पाकिस्तान से वहां पर आए थे और उन्होंने ये सुरंग बनाई है। सैंडबैग यहां पर मिला है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो सुरंग है वो पाकिस्तानियों ने ही बनाई थी। क्या घुटपैठ की बड़ी साजिश थी, क्या किसी आतंकी हमले को साजिश करने की बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि हमारे बीएसएफ के जवानों ने इस बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया है। तो पाकिस्तान की एक और साजिश हम दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था और ऐसे में 26 जनवरी बेहद करीब है और ऐसे में ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एक बार फिर से आतंकवादी यहां घुसने की फिराक में थे। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री की मुश्किल बढ़ गई है। महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री के दामाद से पूछताछ होगी। 200 किलो ड्रग्स जब्त किए गए हैं और इस मामले में एनसीबी की पूछताछ जारी है। समीर खान से एनसीबी की पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम सामने आया है। एनसीबी का शिकंजा कस रहा है इन पर और इनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री के दामाद से पूछताछ हो रही है। 200 किलो ड्रग्स जब्त किए गए हैं और इस मामले में एनसीबी की पूछताछ जारी है। समीर खान से एनसीबी की पूछताछ। और ये देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लगातार जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में उजागर हो रहा था और एनसीबी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी और बिंदुओं को कनेक्ट किया जा रहा था और धर दबोचा जा रहा था उन लोगों को जो नशे के इस जंजाल में लिप्त है। और देखिए ये एक और बड़ी खबर कि किस तरह से देखिए अब इस ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम भी शामिल हो गया है और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
और महाराष्ट्र से इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर सिंगर ने आरोप लगाया है। मुंबई के ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। धनंजय मुंडे के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, ना तो पुलिस ने संज्ञान लिया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पीड़िता का कहना है कि बीजेपी में मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग वो कर रही है। धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है, ये कहा है किरीट सोमैया ने। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उद्धव के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगा है और पीड़ित का कहना है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे शख्स को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र से ये बहुत बड़ी खबर, उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर एक सिंगर ने रेप का आरोप लगाया है। मुंबई के ओशिवारा थाने में सिंगर ने शिकायत दर्ज कराई धनंजय मुंडे के खिलाफ, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, ना ही इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और ना ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सीधा है। जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है। मुरैना के दो गांव में 20 लोगों की मौत हो गई है। देर रात ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हुई, अब तक 20 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 15 लोगों का इलाज अभी भी जारी है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना की खबर है, ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश से ऐसी कोई जहरीली शराब की खबर आती है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीकर काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई है। मुरैना की है 2 गांव की खबर है जहां अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं अब तक 20 लोगों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 15 लोगों का इलाज अभी भी जारी है, 2 की हालत गंभीर बन गई है। तो कल जहरीली शराब पीने से ये खबर सामने आई थी कि काफी सारे लोगों ने जान गंवाई है और वहीं ये सिलसिला अभी भी कायम है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह को रिमांड में लिया गया है। 16 जनवरी ईडी की रिमांड में भेजे गए केडी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जहां टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह को रिमांड में लिया गया है। 16 जनवरी तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। 16 जनवरी तक केडी सिंह को ईडी के रिमांड में ही रहना होगा। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। टीएमसी के पूर्व सांसद हैं केडी सिंह, इनको 16 जनवरी तक रिमांड में भेजा गया है और आगे की पूछताछ भी की जाएगी। टीएमसी के पूर्व सांसद रह चुके हैं केडी सिंह, 16 जनवरी तक इन्हें रिमांड में रखा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए सी हिंदुस्तान के साथ।